चलो चलिए आज हम आपको गन्ने के रस के बेनिफिट बताते हैं। सो गन्ने का रस मोस्टली आप उसको शुगर कैन के नाम से भी जानते होंगे। सो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि गर्मियों में ये बहुत ही कूलिंग देता है और आपकी जो स्किन टैन हो जाती है गर्मियों में उससे भी आप बच सकते हैं। बिकॉज अगर आपके बॉडी के अंदर कोई भी कूलिंग प्रोवाइड करने वाली चीज़ है तो वो आपको इंटरनली अंदर से ठंडा रखेगा और आपको स्किन जो आपकी बाहर की आउटर लेयर होती है उसको टैन होने से यानी झुलसने से भी बचाता है। सो गन्ने का रस आपको मोस्टली अवेलेबल गर्मियों में ही होता है बिकॉज़ गन्ने का जो फसल है वो आपकी गर्मी के सीज़न में ही होती है। बिकॉज़ गन्ने की जो जो शुगर कैन होता है उसके थ्रू हम बहुत सारे स्वीट जो बनते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शुगर हो गई, ब्राउन शुगर हो जाती है, ब्राउन शुगर और चीनी जो वाइट शुगर होती है जो क्रिस्टल क्रिस्टल के फॉर्म में होती हैं वो भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जो उसका हम जूस निकालते हैं, जो रस हम निकालते हैं वो आप मोस्टली देखते भी होंगे गर्मी के सीज़न में रोड साइड पर मशीन लेकर गन्ने को क्रश करके अच्छी तरीके से उसका रस निकालते हैं। सो इसमें अगर आप पीते ही हैं तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू और उसमें पुदीना, चाहे तो आप उसमें धनिया भी लगा सकते हैं, उससे आपका जो ये रस है पीने में और भी लजीज और टेस्टी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल ही गन्ने का ही रस निकाल के उसको पियेंगे तो वो आपको थोड़ा सा अजीब ही लगेगा। तो थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसमें नींबू इस्तेमाल कीजिए, पुदीना इस्तेमाल कीजिए और इसमें आप धनिया की पत्तियाँ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं तो उसमें और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा काला नमक भी यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने ये 3 गिलास मंगाए और मैं इनको अब इन्जॉय करने वाली हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो मैं तो इस गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने वाली हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ गन्ने का रस पीने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स कम हियर एंड टेक शेयर इट। और ये लास्ट वन जो कि मैं इसको पीने वाली हूँ और अपनी गर्मी को जो मुझे इंटरनल महसूस हो रही है इतनी मई जून की गर्मी में उससे बचने के लिए मैं इसको पीऊँगी और इन्जॉय करूँगी। और आपको भी इस चीज़ की मैं सलाह देती हूँ, अगर आप चाहें तो इसको पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लीवर के लिए भी अच्छा होता है, पीजिए और बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।